बिहार पुलिस सिपाही बहाली में अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, महिलाओं के हाइट में कमी की जानी चाहिए और 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कुछ समय पहले 20 मार्च 2023 को ही विधानसभा में खुद उन्होंने ये घोषणा किया था कि EBC और SC महिलाओं के हाइट में सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में कमी की जाएगी। लेकिन जब सिपाही बहाली आई है, वैकेंसी आई है, सिपाही बहाली के लिए विज्ञापन आया है, तो उसमें हाइट में कोई कमी नहीं की गई है। जो पहले था वही अभी भी है। तो क्या एक मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में जो घोषणा किया जाता है उसका कोई मतलब नहीं रह गया? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद घोषणा करते हैं विधानसभा में और उनकी बात 2-3 महीना बाद ही गलत साबित हो जाता है, तो क्या ये एक मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? CSBC ने क्या जानबूझकर ऐसा किया या सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया सदन में, विधानसभा में, और उस पर आगे कोई लिखित रूप में कोई कार्रवाई नहीं की गई? तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आपने खुद घोषणा किया था कि EBC और SC महिला के हाइट में कमी की जाएगी सिपाही और दरोगा बहाली में, तो फिर क्यों नहीं कमी किया गया? हम मांग कर रहे हैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि सभी कैटेगरी में महिलाओं के हाइट में कमी की जाए, सभी कैटेगरी में, SC, OBC, EWS, सभी कैटेगरी में महिलाओं के हाइट में कमी की जाए, क्योंकि आपने खुद EBC और SC महिलाओं के हाइट में कमी करने की बात कही थी। लेकिन हम लोगों की मांग है कि आप सभी कैटेगरी में महिलाओं के हाइट में कमी कीजिए। अब कितना कमी करना है ये सरकार को इस पे फैसला लेना है, सरकार खुद ये फैसला ले कि कितना कमी करना है, 5 सेंटीमीटर कमी करना है या 4 सेंटीमीटर कमी करना है, ये सरकार फैसला ले। लेकिन सभी कैटेगरी में महिलाओं के हाइट में दरोगा सिपाही बहाली में कमी होनी चाहिए, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। सभी अभ्यर्थियों के लिए उम्र सी अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद आप सिपाही की बहाली निकाले हैं और 3 साल बाद दरोगा की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इसीलिए उम्र तो किसी का स्थिर नहीं रहता है, उम्र तो बढ़ते जाता है और आप 3 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि आप सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में अधिकतम उम्र सीमा में सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में कुछ ना कुछ आप बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि 3 साल के बाद आपने वैकेंसी निकाली है। और अभ्यर्थियों की मांग है कि आप 3 साल का एज रिलैक्सेशन दीजिए, अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दीजिए। तो सरकार को इस पे फैसला लेना चाहिए जल्द कि अधिकतम उम्र सीमा में सरकार को छूट देना चाहिए। और साथ ही जो 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी ज्यादा है, बिहार की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, यहाँ रोजगार का कोई और साधन नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, तो यहाँ रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है। और किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ वहां के मूल निवासियों को ही मिलता है। लगभग 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, जिसके कारण या तो वहां फॉर्म नहीं भर सकते बिहार के लोग या उस राज्य के बाहर के निवासी, या अगर फॉर्म भी भर दिए तो बिहार के स्टूडेंट्स का वहां सिलेक्शन नहीं होगा बहुत सारे राज्य में, क्योंकि वहां का जो चयन प्रक्रिया बनाई गई है ऐसी कि वहां पे आपको क्षेत्रीयता को, क्षेत्रीय भाषा को ज्यादा महत्व दिया गया, जिस कारण बिहारी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही नहीं हो सकता अगर फॉर्म भी भर दिए तो। और बहुत सारे राज्यों में तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, क्योंकि स्थानीय नीति लागू कर दिया गया है, जिसके वजह से बिहार के स्टूडेंट्स वहां फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो हम बिहार में बाहर के स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने से रोकने की बात भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप आरक्षण का जो प्रावधान होता है, बिहार सरकार के गजट में भी लिखा है कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा, और किसी भी राज्य में, चाहे झारखंड हो, यूपी हो, MP हो, कहीं भी हो, आरक्षण का लाभ वहां के मूल निवासियों को ही मिलता है, जो राज्य सरकार की सेवाओं के लिए जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाता है, तो उस राज्य के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। तो फिर बिहार में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों मिलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है ना, बिहार की बेटियों के साथ बहुत
बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है, तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए ये नाइंसाफी ना हो बिहार की बेटियों के साथ। और 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को, बिहार की छात्राओं को ही मिले। सरकार को इस पे डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इससे हजारों बिहार की बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जितने भी बिहार की बेटियां हैं, बिहार की छात्राएं हैं, उनसे भी हम आग्रह करें कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर आप हमारा साथ दीजिए, नहीं तो फिर आपके साथ इसी तरह अन्याय होता रहेगा। अगर 35% आरक्षण का बिहार से बाहर की लड़कियों को नहीं मिलता है, अगर मिलना बंद हो जाए, जो अभी मिल रहा है, अगर वो आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को मिलना बंद हो जाए, तो लड़कियों का जो कैटेगरी है, हर कैटेगरी में जो महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया गया है, तो आपका कटअप बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर की महिलाएं आ जा रही है, तो उसके वजह से महिलाओं के कैटेगरी में भी कटअप ज्यादा चला जा रहा है। तो इसलिए आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि जो बिहार की लड़कियां हैं, आप लोग कम से कम हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपको साथ देना चाहिए। और आप फोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें बताइए कि आप हमारा साथ देना चाहती हैं, तभी हम आगे आपके लिए कोई आंदोलन कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो फिर हम कैसे कुछ कर पाएंगे। और जो उम्र सीमा की बात है, अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी होनी चाहिए दरोगा सिपाही बहाली में, और इसके अलावा हाइट में, महिलाओं के हाइट में जो मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा किया, हमारे पास वो वीडियो भी है, तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप महिलाओं के हाइट में कमी कीजिए, अधिकतम उम्र सीमा में सभी अभ्यर्थियों के लिए सभी कैटेगरी में आप बढ़ोतरी कीजिए, और 35% महिलाओं आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिले, इसके लिए आप आदेश जारी कीजिए, क्योंकि बिहार सरकार के ही गजट में लिखा है कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा, तो फिर बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण क्यों मिल रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा में बीपीएससी हो या कोई भी भर्ती आयोग हो, सभी में आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए। बीपीएससी में भी देखिए, आप जो उम्र सीमा रखे हैं, अन्य स्टेट्स में देख लीजिए, तो सिविल सेवा में अधिकतम उम्र सीमा जो है बिहार से ज्यादा है और बिहार में कम है, तो इसलिए बीपीएससी में भी अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने 11 एग्जाम को लगातार 4 एग्जाम 5 एग्जाम 3 एग्जाम करके लिया, तो 11 मौकों से परीक्षार्थियों को हाथ धोना पड़ा, और कोरोना भी बीच में आया, कोरोना का भी संकट सबको झेलना पड़ा, तो इसलिए सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीपीएससी सभी में अधिकतम उम्र सीमा में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, और महिलाओं के हाइट में कमी होनी चाहिए, पुरुषों के हाइट में भी आप 1-2 सेंटीमीटर कमी कर दीजिए, क्योंकि ये मांग है। आप देखिए, हरियाणा हो या यूपी के कुछ क्षेत्र जहां अभ्यर्थियों के हाइट जो है बहुत ज्यादा होते हैं बिहार की तुलना में, तो उन लोगों को फायदा मिल जाता है बिहार की नौकरियों में, खासकर पुलिस विभाग में जो दरोगा सिपाही की आती है उसमें, तो इसलिए बिहार के अभ्यर्थियों के, बिहार के छात्र छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए आपको हाइट में कमी, महिलाओं के हाइट में कमी करनी चाहिए, और पुरुषों के हाइट में भी 1-2 सेंटीमीटर कमी कर देनी चाहिए, ताकि हजारों अभ्यर्थी जो इसके चलते वंचित रह जाते हैं उनको इसका फायदा मिले। तो इसी मुद्दे पर हम लोग 16 जून शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास एक बैठक कर रहे हैं, एक मीटिंग रखे हैं छात्र छात्राओं की। तो आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिले, अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी की जाए दरोगा सिपाही बहाली में, इसके बाद आपको दरोगा की जो वैकेंसी है वो कम से कम 2500 से 3000 सीटों पे निकले, और हाइट में कमी की जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर, और पारदर्शिता हो, सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी सभी में पारदर्शिता हो, इन सभी मुद्दों को लेकर 16 जून को यानी शुक्रवार 16 जून को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास एक मीटिंग रखी गई है छात्र छात्राओं की। तो आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी आइए, छात्र भी आइए, छात्राएं भी आइए, बिहार की बेटियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों की सहभागिता जो है बिहार की बेटियों की, वो आंदोलन में या फिर मीटिंग में बहुत कम होती है, तो इसलिए आप लोग भी आइए, छात्र छात्राएं सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 16 जून शुक्रवार को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान में आप गांधी मूर्ति के पास आइए, वहीं हम लोग एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पे हम लोग विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, आंदोलन करना है, किस तरह आंदोलन करना है, और वहीं पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया के बंधुओं को भी हम वहीं पे बुलाएंगे, हम भी अपनी बातों को रखेंगे, आप लोग भी अपनी बातों को रखिएगा, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम करेंगे, और सरकार से ये मांग करेंगे कि इन सभी मांगों को सरकार लागू करे। धन्यवाद। जय हिंद।